नमस्ते सलाम हेलो, मैं हूँ अशोकन एंड वेलकम टू माय चैनल। देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल ही कंफ्यूज हूँ बिल्कुल, क्योंकि देखो UFC 249 हबीब वर्सेस टोनी फर्गुसन फाइट के बारे में कुछ न्यूज़ अभी भी पता नहीं चल रहा। मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ, यूट्यूब में देख रहा हूँ, इंटरनेट पे देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम में देख रहा हूँ, कुछ भी आइडिया नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे भाई, चलो नो प्रॉब्लम यार, जो भी होना है देखा जाएगा। तो हम लोग इसके बारे में ज़्यादा सोच के कंफ्यूज नहीं होंगे, सीधा चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग लाया हूँ हम लोग। आज टोनी फर्गुसन का पहला UFC फाइट, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, पहला UFC फाइट को एकदम ध्यान से देखेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे फाइटिंग स्टाइल से। और मैं ऐसे वीडियो और भी बनाते रहूँगा, स्क्रीन शॉट बाई शॉट हम लोग ध्यान से देखेंगे और फाइट्स MMA फाइट को बहुत ही गहरे तरीके से डीपली सीखने की कोशिश करेंगे। तो टोनी फर्गुसन का पहला फाइट UFC फाइट हुआ है और उनका ओपोनेंट का नाम था रामसे निजाम। सो इट वॉज टोनी फर्गुसन वर्सेज रामसे। और इस फाइट में टोनी ग्रीन और वाइट शॉर्ट्स में है, आप देख सकते हैं स्क्रीन शॉट में। और रामसे निजाम जो उनका ओपोनेंट है, वो उनका वो एक्चुअली ब्लैक एंड ग्रे शॉर्ट्स में है। तो ये आपको काम आएगी वीडियो देखते वक्त। चलिए आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ चलते हैं। ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इसमें टोनी फर्गुसन को आप पहचान गए होंगे और उनका ओपोनेंट है रामसे निजाम। और फाइट स्टार्ट हुआ दोस्तों। तो फाइट स्टार्ट होते ही एक सरप्राइजिंग बात यह है जो कि आज का जो टोनी है एकदम बॉक्सिंग और किक्स में एकदम बहुत ही स्ट्रांग है, मगर टोनी के पहले फाइट में मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि उनका बॉक्सिंग और उनका किक्स उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा था। मगर क्योंकि फाइट के पहले से ही ये जो स्टार्टिंग फेज था उसमें जो उनका ओपोनेंट है रामसे, जो ब्लैक एंड ग्रे शॉर्ट्स में है, अच्छा बॉक्सिंग कर रहा था वो, और टोनी कुछ कर नहीं पा रहे थे, टोनी एकदम छुप के एस्केप कर रहे थे, ठीक है। और जैसे ही टोनी को लगा कि प्रॉब्लम हो रहा है तो टोनी सडनली रेसलिंग पे चले जाते हैं। देखिए यही मैं हमेशा बताते आ रहा हूँ कि जय खबीब की तरह ही टोनी फर्गुसन का भी बेस रेसलिंग है, उनका रेसलिंग बहुत ही स्ट्रांग है। तो जब टोनी फर्गुसन को लगा कि रामसे बॉक्सिंग में बहुत स्ट्रांग दिख रहा था, वो सडनली उनके पैरों पे अटैक कर देता है, डबल लेग्स टेक डाउन के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं छुप के, तो और उसमें कामयाबी हो जाते हैं। टोनी रेसलिंग के हेल्प से रामसे को नीचे ग्राउंड पे लेके जाते हैं और ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में। और ये देखिए इसमें इस एक पर्टिकुलर फोटोशॉट में आप देख सकते हैं कि टोनी का रेसलिंग बहुत ही स्ट्रांग है। ये एक टिपिकल रेसलिंग का पकड़ है जहाँ पे टोनी रामसे के गर्दन पे और पैरों को एकदम लॉक करके रखते हैं। ये नॉर्मली रेसलर्स करते हैं, ओलंपिक लेवल रेसलर्स या फिर प्रोफेशनल रेसलर्स ऐसे ही करते हैं। तो वहाँ से टोनी एकदम ऊपर डोमिनेंट पोजीशन पे आ जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं उसको टेक्निकली कहते हैं रामसे के गार्ड पे है। और आप देख सकते हैं कि टोनी का जो एक पैर है वो रामसे के गार्ड में फंसा हुआ है, स्पेशली आई थिंक इट्स टोनीज राइट लेग ट्रैप्ड है, मगर टोनी फिर भी डोमिनेंट पोजीशन पे है। और अभी इस पोजीशन से एक डेवलपमेंट हुआ, रामसे का भी रेसलिंग थोड़ा अच्छा है और वहाँ से उनको टोनी के लेफ्ट लेग पे पकड़ मिल जाती है और वो सिंगल लेग टेकडाउन की कोशिश करते हैं ग्राउंड से ही, और टोनी को भी इसका अंदाज़ा हो जाता है। और देखिए टोनी कितना ब्रिलियंट है, उनका रेसलिंग कितना स्ट्रांग है। टोनी क्या करते हैं, अब यहाँ से वो रोल कर देते हैं टोनी। देखिए आप देख सकते हैं जैसे टोनी को पता चलता है कि टोनी नीचे गिरने वाले हैं, वो अपने राइट हैंड से ग्राउंड को टच करते हैं और वहाँ से वो टोनी रोल कर देते हैं। और जैसे ही रोल कर देते हैं रामसे का छूट जो पकड़ था वो छूट जाता है और आप देख सकते हैं कि रामसे सीधा फेस ग्राउंड पे हिट हुआ और वहाँ से उनका जो भी करने की कोशिश कर रहे थे उसमें सफल नहीं होते हैं और टोनी जो पकड़ से बच जाते हैं, ठीक है। और वापस वो लोग दोनों ग्राउंड पे स्टैंड अप फाइट के लिए जाते हैं। और ये देखिए वापस रामसे बॉक्सिंग करते हुए, और आप देख सकते हैं कि टोनी वापस कुछ कर नहीं पाते, रामसे का बॉक्सिंग वापस स्ट्रांग होते जा रहा है और टोनी एकदम बचने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही टोनी को लगता है कि रामसे का बॉक्सिंग स्ट्रांग होते जा रहा है, देखिए आप देख सकते हैं टोनी एकदम अच्छे से रेसलिंग की कोशिश करते हैं। देखिए लेफ्ट लेग एकदम आगे झुका हुआ और राइट लेग एकदम एक्सटेंडेड, टिपिकल रेसलिंग टेकडाउन करने की कोशिश करते हैं रामसे बचने की कोशिश करते हुए।
और मगर फिर भी टोनी एकदम रसलिंग में डोमिनेट करते हुए वापस वो एकदम आराम से को डोमिनेट कर देते रसलिंग में और वापस खड़े हो जाते हैं दोनों। और राम से एकदम राइट हैंड से शॉट मारते हैं बॉक्सिंग और टोनी एस्केप कर देते हैं, थोड़ा वो लोग बच जाते हैं। और ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसमें टोनी फर्गूसन राइट हैंड से शॉट मारते हैं और राम से उस शॉट से थोड़ा शॉक हो जाते हैं क्योंकि तब तक टोनी ने ज़्यादा बॉक्सिंग नहीं किया था, तो राम से एकदम सरप्राइज हो जाते हैं और आगे की तरफ झुक जाते हैं। और ये आप देख रहे हैं नॉकआउट शॉट, ये आपको एकदम डिटेली बताऊंगा मैं। इसमें एक्चुअली टोनी ने राइट से पहले मारा और फिर लेफ्ट हैंड से स्विंग करते हैं और ये एकदम आराम से के चेहरे पे लगता है और वो एकदम नॉकआउट हो रहा है। यहाँ से आराम से आपको आप जो देख रहे हैं वो एकदम खड़े हैं, मैं एक्चुअली वो नॉकआउट हो गए हैं। और नेक्स्ट नेक्स्ट शॉट में देखिए आराम से नीचे गिर गए और टोनी गेम को जीत जाता है। देखिए इससे पहले, वीडियो ख़त्म करने से पहले हम उस एक शॉट को एक और बार देखेंगे। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा ज़रा। देखिए इस शॉट में मैंने कहा था टोनी ने राइट हैंड से एक शॉट मारा था और जो मैं दिखा रहा हूँ आपको राम से का जो हेड है जो उनको मैंने गोले पे किया हुआ है और वो एकदम सरप्राइज हो गए थे, शॉक हो गए थे। देखिए इसमें इस एक स्क्रीनशॉट को आप करेक्टली देख सकते हैं, ये टोनी फर्गुसन का विनिंग मोमेंट है। ध्यान से देखिए टोनी फर्गुसन राइट हैंड से शॉट मारते हैं और राम से एकदम शॉक्ड और उनका फेस एकदम एक्सपोज्ड है, खुला हुआ है और उनका दोनों हाथ नीचे। और आप देख सकते हैं टोनी का जो लेफ्ट हैंड है वो मैंने गोला किया हुआ है, सर्कल किया हुआ है, वो एकदम फ्री था और टोनी का नज़र जो है एकदम स्ट्रॉन्ग, जो रामसे का फेस एकदम खुला हुआ था और ये एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा था टोनी को और टोनी एकदम लेफ्ट हैंड से सडनली अटैक कर देते हैं। और ये आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड से एकदम सडन अटैक और खेल ख़त्म। देखिए ये आप देख रहे हैं इसमें तो उसमें तो रामसे का गेम खलास हो गया और वो एकदम नॉकआउट होने वाला है। और नेक्स्ट शॉट में आप देख सकते हैं कि वो नीचे गिर जाता है और ये देखिए नीचे गिर गया और नॉकआउट हो गया था और टोनी फर्गुसन गेम जीत जाते हैं। और एक और स्पेशल बात कह रहा था आपसे, नॉर्मली मैंने बहुत सारे गेम्स देखे हुए हैं और टोनी फर्गुसन कभी गॉड या ऊपर वाले के बारे में कुछ बोलते हुए सुना नहीं है, शायद बोला होगा मगर मेरे को अभी तक सुनने को नहीं आया। मगर इस गेम में, इस ये जो उनका पहला फाइट था और इससे उनको यूएफसी में एंट्री मिली और उनको 6 फिगर कॉन्ट्रैक्ट मिला, बहुत पैसे भी मिले और वो एक यूएफसी प्रोफेशनल फाइटर बन जाते हैं इससे। और इस फाइट के जीतने के बाद टोनी, ये एक फ़ोटो को मैंने कैप्चर किया है, टोनी ऊपर देखते हैं, अभी इसका मतलब क्या पता नहीं है मगर वो बिल्कुल ऊपर की तरफ देख रहे थे, शायद ऊपर वाले की तरफ देख रहे थे। और इंटरव्यू में, फाइट के बाद जो इंटरव्यू हुआ, जो रोगन जब आ रहे थे तो टोनी ने कहा कि टोनी ने गॉड या ऊपर वाले के बारे में कुछ कहा नहीं मगर उन्होंने कहा कि द गार्डियन एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग मी, मतलब ऊपर जो फरिश्ते बैठे हुए हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं। अब आपको अंदाज़ा लगाना होना होगा कि टोनी क्या बोल रहे थे। ठीक है, जो भी है, आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये गेम अच्छी लगी, जो शॉर्ट बाय शॉर्ट, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा पड़ गया मगर हम लोग वीडियो को ऐसे ही सीखते हैं, यूएफसी को ऐसे ही सीखते हैं, एमएमए को ऐसे ही सीखते हैं, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय सलाम। आप बताइए अपने कमेंट्स को क्या वीडियो अच्छी लगी क्या।